राजनांदगांव से खबर आपको बता दें, जहां डोंगरगढ़ में ईडी ने दबिश दी है और ईडी ने दबिश देकर बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के घर छापा मारा। राइस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं जिनके ऊपर छापा पड़ा है। ईडी की छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए खबर पर जानकारी के साथ। सुशांत, यहाँ पर बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के घर छापामार कार्रवाई की जा रही है, क्या लीड्स मिली थी ईडी को और उसके अलावा क्या अभी तक कोई चीज सामने आई है या किसी तरह का कैश बरामद हुआ और दस्तावेजों के बारे में पता चला? जी बिल्कुल, लगातार पिछले दिनों ईडी पूरे प्रदेश में छापेमार कार्रवाई कर रही थी, जिसके बाद एक बार फिर लोकसभा चुनाव के बाद ईडी की टीम ने सुबह 5 बजे से, आपको बता दूं कि राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं मनोज अग्रवाल और मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के जो है वो भी अध्यक्ष है मनोज अग्रवाल, और कहीं ना कहीं सुबह 5 बजे से ईडी की जो टीम है वो सुबह 5 बजे से 2 गाड़ियों में CG04 पासिंग और MH35 पासिंग गाड़ियों में सुबह 5 बजे घर में दबिश दी, जिसके बाद से लगातार दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। कहीं ना कहीं पूरा मामला कहें तो सहकारिता विभाग से जुड़ा भी हो सकता है, क्योंकि लगातार पिछले दिनों भाजपा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह आरोप लगाया था कि सहकारिता को लेकर कई घोटालों का आरोप वरिष्ठ नेताओं के द्वारा लगाया गया था, और राइस मिल का जो काम है वो भी सहकारिता से सीधा जुड़ता है। तो कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि यह पूरा मामला राइस मिल से जुड़ा हुआ है। हालांकि अभी लगातार जो है सुबह 5 बजे से 11:30-12 बज चुके हैं, कोई भी अधिकारी ना बाहर आया है ना घर वाला बाहर आया है, जानकारी साझा करने से बचते नजर आ रहे हैं, और जांच पूरी होने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि किस तरह की कार्यवाही आगे होगी। बिल्कुल, शुक्रिया जानकारी के लिए। आपको बता दें, राइस एसोसिएशन के अध्यक्ष के घर पर छापामार कार्रवाई की जा रही है, बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, लगातार ये कार्रवाई अभी जारी है।